गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द डिस्कवरी ऑफ मैच स्टिक राइट जो मैचिस हम जलाते हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी हमने वो देखा था हमारी लास्ट क्लास में नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ वी फाइंड दैट अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस केन नॉट कैच फायर और बर्न एज़ लॉन्ग एज्स इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न होता है राइट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परीचर पर कोई ऑब्जेक्ट बर्न होना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर और अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परीचर से कम है तो कोई ऑब्जेक्ट बर्न नहीं होगा है ना वो फायर को कैच नहीं करेगा हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर वेन अ फ्राइंग पैन इज़ कैप्ड फॉर अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग इस्टोव क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर हमने बर्निंग स्टोव पर हमारा फ्राइंग पैन रखा है फ्राइंग पैन मतलब तवा है ना अगर हम हमारे तवे को गैस स्टोव पर रखते हैं तो क्या वो जलने लग जाता है सॉरी uh, उसके अंदर जो ऑयल है क्या वो ऑयल जलने लग जाता है कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर कैरोसिन ऑयल और वुड जो है वो कभी भी फायर को कैच नहीं करते हैं ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर अगर वुड रखा हुआ है तो क्या उसमें अपने आप आग लगने लग जाएगी कैरोसिन ऑयल अगर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है कैरोसिन ऑयल मतलब घास लेट अगर वो रूम में रखा हुआ है तो क्या उसमें अपने आप आग लग जाएगी नो बट इफ़ कैरोसिन ऑइल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर लेकिन अगर हमने कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी गर्म कर दिया उसको थोड़ी सी भी ही हीट दे दी तो क्या हो जाएगा वो फायर को ईजीली कैच कर लेगा बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर लेकिन अगर हमने वुड को थोड़ा सा गर्म किया तो भी उसमें क्या होगा आग नहीं लगेगी डज़ इट मीन दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ़ कैरोसिन इज़ लोअर इज़ लोअर दैन द वुड इसका मतलब कि इग्निशन टेम कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है वुड के इग्निशन टेम्परेचर से डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग इस्टोरिंग कैरोसिन ऑयल इसका मतलब uh, क्या इसका मतलब ये है कि हमको कैरोसिन ऑइल को इस्टोर करने में ज़्यादा केयर ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा केयर रख करनी पड़ेगी द फॉलोइंग केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल, द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर uh, किसी ऑब्जेक्ट को आपको बर्न करना है तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं और तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो बर्न करेगा राइट स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी कौशन कौशन का मतलब होता है चेतावनी है ना यहाँ पे आपको एक uh, चेतावनी ध्यान रखनी है बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल जब हम बर्निंग कैंडल को हैंडल करेंगे मतलब उसको पकड़ेंगे तो हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है राइट मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर हमको दो पेपर कप बनाने हैं इस तरीके से पेपर की एक शीट को फोल्ड करके पोर पोर करना मतलब डालना पोर फिफ्टी अबाउट फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स और एक कप में हमको फिफ्टी एम एल वाटर डालना है मतलब दोनों कप्स में हमको फिफ्टी फिफ्टी एम एल वाटर डालना है हीट बोथ द कप सेपरेटली अब हमने क्या किया उन दोनों कप्स को अच्छा ओके इन दूर फिफ्टी एम एल इन वन ऑफ द कप हमने केवल एक कप में पानी डाला और दूसरे कप को खाली रखा अब हमने क्या किया दोनों को हीट करने लग गए राइट विथ अ कैंडल दोनों को कैंडल से हमने हीट किया वॉट डू यू ऑब्जर्व अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड देन यू कैन ऑब्जर्व वॉट आर द रिजल्ट ओके वॉट विल हैपन टू द एम टी पेपर कप व्हाट विल हैपन टू द पेपर कप विथ वाटर डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट क्या ऐसा होगा कि ये जो आ, जिस कप में पानी भरा हुआ है उसका जो पानी है क्या वो हॉट हो जाएगा सो द आंसर इज इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉइल वाटर इन द पेपर कप और अगर हम कंटिन्यू करते रहे उस, उसको हीट देना तो एक पॉइंट कैसा आएगा जब वो पानी बॉईल होने लग जाएगा कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना और इस ऐसा क्यों हुआ या फिनिना ऐसा क्यों हुआ है उसके पीछे का रीज़न क्या है द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन हमने पेपर कप को जो हीट दी कैंडल की हेल्प से वो हीट ऑब्वियसली क्या हुआ कंडक्शन के कारण वाटर पर ट्रांसफर हो गई सो so, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ़ पेपर इज नॉट रीच्ड और चूँकि वाटर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हीट हमेशा पेपर से वाटर में ट्रांसफ़र होती रही और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर को रीच नहीं कर पाए राइट और जब पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को हीट रीच नहीं कर पाएगी तो जो पेपर है वो आ, कभी भी जलेगा नहीं राइट हैंस इट डज़ नॉट बर्न इसलिए वो जो पेपर है वो कभी भी बर्न नहीं होगा द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज जो ईजीली फायर को कैच कर लेते हैं मतलब जिनमें आसानी से आग लग जाती है उनको हम क्या बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज और इसके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोल हो गया अल्कोहल एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑल दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जिसमें कि ईजीली जो फायर को कैच कर लेते हैं और इजिली फायर को कैच कर लेते हैं इसका मतलब क्या उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है राइट हाउ डू वी कंट्रोल फायर मान लीजिए अगर कहीं पर आग लगी है तो हम उस फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे वो समझते हैं यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स आपने सुना होगा कभी घरों में शॉप्स में फैक्ट्रीज में आग लग जाती है राइट इफ यू हैव एवर सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक अगर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता हुआ देखा है तो आपको उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहा गया है

विद द हेल्प ऑफ वाटर जेट तो हम आँख को किस किस तरीके से बुझा सकते हैं और किस आँख को बुझाने के लिए हमको किस तरी किन किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए वो समझते हैं ओके डज योर सिटी टाउन है फायर ब्रिगेड स्टेशन क्या आपकी सिटी या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है आपको पता करना है हमारी सिटी में कहाँ पर है फायर ब्रिगेड का स्टेशन ओके दैट यू कैन आस्ट टू योर पेरेंट्स वेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स वॉट डज इट डू जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है इट पूर्स वाटर ऑन द फायर क्या करती है आपको डायग्राम में देख देख सकते हैं आप क्या करती है वो पानी की एक जेट से जेट फायर पे छोड़ती है ताकि ऑब्वियसली पानी से आग बुझ जाए राइट वाटर कूल्स द कम्बस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो टू द इग्निशन टेम्परेचर पानी क्या करता है कम्बस्टेबल मटेरियल को मतलब जिन जिन चीज़ों में आग लग रही है उनके टेम्परेचर को कूल cool डाउन करने की कोशिश करता है और जब उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो आग है वो क्या हो जाएगी बुझने लग जाएगी राइट दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग और जिससे कि क्या होगा जो फायर है वो स्प्रेड होने से रुक जाएगी मतलब अब फायर फायर जो है वो नहीं फैलेगी राइट वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड्स द कम्बस्टेबल मटेरियल कम्बस्टेबल मटेरियल के आसपास जो वाटर वेपर्स होती हैं हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और कम्बस्टेबल uh, मटेरियल <coughs> के पास पास जो वाटर वेपर रहेंगी वो क्या करेंगी फायर को एयर के कॉन्टेक्ट में आने से रोकेंगी और जब फायर एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो आपको पता है फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो फायर बुझ जाएगी इजीली राइट सो द फायर इज एक्सटिंगवाइज एक्सटिंगवाइज होना मतलब बुझना राइट right? तो थोड़े समय बाद क्या होगा फायर बुझ जाएगी यू हैव लर्न दैट देर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर हमने क्या पढ़ा था कि फायर जलाने के लिए हमारे पास मिनिमम तीन कंपोनेंट्स हमको ज़रूरी होते हैं तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सबसे पहला हो गया फ्यूल देन एयर एंड देन हीट ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज़ को जलाना है तो आपको सबसे पहले तो फ्यूल लगेगा है ना अब फ्यूल कुछ भी हो सकता है पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस एनी उसके बाद एयर की हमको ज़रूरत होती है अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फायर जल पाएगी क्या नहीं थोड़े टाइम बाद फायर अपने आप बुझ जाएगी इसलिए हमको एयर की और फ्यूल की रिक्वायरमेंट है दूसरा हमको हीट की रिक्वायरमेंट है हीट की रिक्वायरमेंट क्यों है क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज़ तब जलती है जब वो अपने इग्नि... जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है और उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा कब होगा जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे राइट right? तो कोई भी हमको फायर लगवाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल एयर और हीट राइट बियॉन्ड द इग्निशन फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स और अगर हमको फायर को बुझाना है आग को बुझाना है तो हमको इन तीनों में से किसी भी एक कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा और जब हम तीनों में से किसी भी एक कंपोनेंट को या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को हटा देंगे तो फायर ऑटोमेटिकली बुझने लग जाएगी राइट द जॉब ऑफ एन फायर एक्सटिंग्वाइर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एक फायर का एक्सटिंगशर का काम क्या होता है कि वो एयर के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है मतलब एयर के सप्लाई को रोक देता है और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ़ द फ्यूल या फिर वो फ्यूल के टेम्परेचर को ब्रिंग डाउन करता है मतलब कि कम करता है और जब फ्यूल का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा तो ऑब्वियसली इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा और इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो फायर रुक जाएगी राइट और बोथ या फिर दोनों काम करता है नोटिस दैट फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैच इज फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल राइट अगर मान लीजिए अगर किसी बिल्डिंग में फ्यू आ, आग लगी है तो वो जो पूरी बिल्डिंग होगी वो पूरी बिल्डिंग एज अ फ्यूल बिहेव करेगी राइट इसका मतलब जो पूरी बिल्डिंग है वो जलने लग जाएगी नाव यहाँ एक इस पैराग्राफ में आपको फायर एक्सटिंग वाइशर के बारे में बताया गया है आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्वाइशर्स आपके स्कूल में या इन फैक्ट्रीज में राइट फायर एक्सटिंग्वाइशर का काम क्या होता है जब भी आग लगती है तो आग बुझाने को के लिए हम जो यूज में आता है दैट इज फायर एक्सटिंगवाइर राइट तो क्या है कैसे काम करता है वो समझते हैं द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंगवाइर इज़ वाटर ऑब्वियसली सबसे uh, सिंपल फायर एक्सटिंगशर कौन सा होता है वाटर कहीं भी अगर आग लगी है तो हम उसको पानी से ही बुझाते हैं नॉर्मली राइट बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर लेकिन वाटर को हम केवल तभी यूज़ कर सकते हैं जब वुड या पेपर या इस तरह की चीज़ों में आग लगी है मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है और अगर आप उस पर वाटर डालोगे तो क्या होगा वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट तो जब हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अगर आग लगी हो और उस पर अगर हम पानी डालेंगे तो वहाँ पे शॉक लगने का चांसेस रहता है राइट right? वहाँ पे जो करंट है वो पानी के कारण फैल जाएगा और फिर आपको शॉक लग जाएगा इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगती है तो उसको हम पानी की पानी से नहीं बुझा सकते हैं में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और जिससे आपको शॉक लग जाएगा एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर और जिसके कारण क्या होगा उन लोगों को करंट लग सकता है जो कि फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं राइट अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इक्विप जलते हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे पानी डालोगे तो ये उन लोगों को हार्म करेगा जो कि आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं राइट वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल वाटर उन फायर्स के लिए भी इनअप्रोप्रिएट है जो कि पेट्रोल या ऑयल के कारण लगी हैं मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से जो फायर लगी है उसको तो हम नहीं बुझा सकते हैं पानी से साथ ही पेट्रोल और ऑयल से भी जो आग लगती है उसको भी हमको पानी से नहीं बुझाना चाहिए डू यू क्यों डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल आपको पता है कि जो वाटर है वो ऑयल uh, से होता है राइट right? तो जब आप पानी डालोगे तो क्या होगा जो पानी है वो ऑयल के नीचे नीचे बैठता जाएगा और जब पानी ऑयल के नीचे बैठता जाएगा तो जिस ऑयल के कारण आग लग रही है वो आग तो बुझ ही नहीं पाएगी राइट सो दैट इट सिंग बिलो द ऑयल पानी जो है वो ऑयल uh, से भारी है राइट right? तो पानी ऑयल के नीचे जमता जाएगा एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप और ऑयल ऊपर जो है वो जलता रहेगा और फायर नहीं बुझेगी फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंगवाइशर अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है या इनफ्लेमेबल मटेरियल्स में आग लगी है तो उन आग को बुझाने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आपको पता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आग को बुझाने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड की जरूरत होती है राइट क्यों ऐसा वो समझते हैं ओके सी ओ टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बींग हैवियर देन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होती है कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट वो क्या करती है फायर को एक तरीके से कवर कर लेती है एक ब्लैंकेट की तरह है ना क्योंकि CO2 टू भारी है तो वो एक ब्लैंकेट की तरह आँख को कवर कर लेती है और उस ब्लैंकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी अंदर तो ऑब्वियसली uh, आँख को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जब ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पाएगी तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी राइट सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है एक ब्लैंकेट बना दे रही है और ब्लैंकेट से क्या होगा फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाएगा और इस तरीके से जो फायर है वो कंट्रोल में आ जाएगी राइट एडेड एडवांटेज ऑफ ओ टू इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और सीओ टू यूज करने का क्या एडवांटेज होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं करती है मतलब वहाँ अगर आपने उस पर पानी डाला तो तो आपको शॉक लग जाएगा लेकिन अगर आप सीओ टू फायर एक्सटिंग से बुझा रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी हार्म होने के या शॉक लगने के चांसेस नहीं रहते हैं राइट हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम हमको कैसे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन बी स्टोर्ड एट अ हाई प्रेशर एज़ लिक्विड इन सिलेंडर्स हम क्या करते हैं एक्सट्रीम हाई प्रेशर पे इनको सिलेंडर्स में स्टोर कर लेते हैं और जब हम इनको सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं तो ये गैस की जगह लिक्विड फॉर्म में हो जाती है राइट इन वॉट इन वॉट फॉर्म इज़ द एल पी जी स्टोर इन द सिलेंडर्स जैसे कि एल पी जी हमारे गैस सिलेंडर्स में होती है एल पी जी बेसिकली एक गैस है राइट right? लेकिन हम हम उस पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करते हैं और जब हम उस पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वैन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर सी ओ टू एक्सपांड इन नॉर्मल इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन और जैसे ही हम उसको सिलेंडर से रिलीज करते हैं तो सी ओ टू ऑबली चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो सिलेंडर में रही है तो जैसे ही हमने खोला तो वो स्प्रेड होना चाहती है राइट right? स्प्रेड होना मतलब फैलना तो वो क्या होती है एक्सपांड हो जाती है स्प्रेड हो जाती है और धीरे धीरे आसपास की सराउंडिंग को कूल cool डाउन करती है राइट सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल ये ना केवल एज अ ब्लैंकेट बिहेव करती है फायर के सराउंड बल्कि उसके टेम्परेचर को भी कम करती है राइट right? दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्वाइशर और इसलिए ये एक एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्वाइशर होती है इसलिए सी ओ टू को हम एज अ फायर एक्सटिंग्वाइशर यूज़ करते हैं मतलब आँख को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं अनादर वे टू गेट सी ओ टू इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक और कौन सा तरीका होता है जिससे हम सी ओ टू ले सकते हैं ताकि हम फायर को बुझा पाएँ तो उसके लिए हमको कुछ पाउडर्स के कुछ केमिकल्स के ड्राई पाउडर को रिलीज़ करना पड़ता है uh, मतलब कुछ केमिकल्स के जो ड्राई पाउड पाउडर्स रहते हैं वो सी ओ टू रिलीज करते हैं और वो पाउडर्स कौन कौन से वो केमिकल्स कौन कौन से हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आर दो सब्सटेंसेस जिनका ड्राई पाउडर क्या करता है सी ओ टू को रिलीज़ करता है राइट नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ सी ओ टू और फायर uh, के पास में ये जो केमिकल्स हैं वो हमको क्या देते हैं सी ओ टू राइट सो स्टूडेंट्स टूडे वी हैव सीन दैट हाउ डू वी हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर अगर हमारे आस पास कहीं पर आग लगी है तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और हमने देखा कि जो इग्निशन टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर का क्या रोल होता है किसी भी बॉडी को बर्न करने में एंड नेक्स्ट वी हैव सीन कि फायर एक्सटिंगवाइशर कैसे वर्क करते हैं और किस तरह की आग को हमको किस तरीके से बुझाना चाहिए राइट सो दैट्स सॉल्व फॉर टूडेज़ क्लास स्टूडेंट्स द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स थैंक यू